अच्छा, तो देखो ये सारी हमारी जो एक्सप्लेनेशन हो गई सेकंड लॉ की, के सेकंड लॉ में हमने एक रिजल्टेंट फोर्स यानी कि अनबैलेंस फोर्स लगाई। अनबैलेंस फोर्स की वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एक्सेलरेशन हुई। अब बात करते हैं इस एक्सेलरेशन की। न्यूटन कहता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। विच फोर्स? द रिजल्टेंट फोर्स। इसको बड़ा याद रखना क्योंकि यहाँ सिंपली एफ लिखा हुआ है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लेफ्ट वाली फोर्स होगी या राइट वाली होगी या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। नहीं, इट इज अ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स इज अ फोर्स विच इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि सबको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है ना, दिस वन, ये है रिजल्टेंट। तो आपको न्यूटन जो है ना वो कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, वो इस रिजल्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यही एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मास के, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। जैसे ये जो लॉरी है ना, इसका एक मास होगा। अगर इससे हैवी लॉरी यूज करूंगा, यानी कि मास अगर ज्यादा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन उसमें कम प्रोड्यूस होगी। सही है, उल्टा होगा। अगर ये लॉरी का मास कम हुआ तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो सेंस भी बनती है, जब कम मास होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, तो उस पर थोड़ी सी भी फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा मूव कर जाएगा। ज्यादा मूव करेगा तो एक्सेलरेशन में चेंज ज्यादा आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है सबके? इन दोनों इक्वेशन को जरा गौर से देखें। बताइए। यस सर, समझ आ रहा है। किसी को क्वेरी तो नहीं है? नो ओके, तो अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं। इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे? जब हमें पता है कि एक ही चीज, यानी कि इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, एक मैथ्स की एक टर्मिनोलॉजी होती है ना, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी, ऐसे ही होता है। इसे क्यूमुलेटिव लॉ कहते हैं मैथ्स में। तो हम इसको यहाँ भी कंबाइन कर सकते हैं कि इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड दैट ए इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एम, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ अपॉन एम। सही है, लिख देंगे ऐसी एफ एस एफ आर। और अगर इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाता है एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। सही है, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि हमें एक इक्वल टू का साइन और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो जब हम इसे हटाएंगे तो वी विल हैव वन एज अ कांस्टेंट फॉर एसआई यूनिट्स ओनली। ठीक है, ये मैंने क्लास में बताया था, थोड़ा सा इसका रिविजन बस कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है? इसका क्वेश्चन है जस्ट होल्ड करें 2 मिनट, ये अब्दुल्ला मोमिन ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इनको पहले रिजॉल्व करते हैं इसको। ठीक है बेटा, फिर यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया कि एफ इक्वल्स टू एम ए हो गया ये पूरा। अगर इसको वन हटा देता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ, इट इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सेकेंड लॉ के, डायनेमिक्स के। ठीक है, तो नोट कर लें, मैं ये रब करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके गुड। सर आपने तो कहा था कि जो एफ इज इक्वल टू एम है, इसका एसआई यूनिट केजी डॉट एम एस ने कुछ करके था। बिल्कुल सही बात। तो अभी तभी आप कह रहे हैं कि ये जो है, मतलब मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। अच्छा सवाल है, अच्छी बात है कि आपको ये याद थी मेरी बात। जस्ट लेट मी रीआइटरेट दैट वर्स। ओके, मैं कह रहा था कि एज एफ इज इक्वल्स टू एम ए जो है ना, ये यहाँ पर कांस्टेंट वन है, वरना हर जगह कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट वन है जब ये दोनों चीज़ें हम इनकी एसआई यूनिट्स में लिखेंगे। जैसे मास है ना, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मास को मैं ग्राम में अगर लिखूंगा ना, तो ये इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगी, इसमें फिर कांस्टेंट की जगह कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो उन वैल्यूज से बचने के लिए हमने एक अजम्पशन कि नहीं, हमने एक वो कर लिया, एक साइन कन्वेंशन बना लिया कि दुनिया के तमाम साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, जब भी हम एफ इज इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे ना, तो
तो हम मास को केजी में लेंगे और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेंगे, ऐसा क्यों? अगर क्वेश्चन आता है आपके, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन आता है कि अ मास ऑफ हैविंग 10 ग्राम्स, ठीक है, एंड इट्स एक्सीलरेशन इज 40 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, हो सकता है ना सवाल, तो आपको इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और ये ग्राम को आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप इस इक्वेशन में यूज कर सकते हो इसे, ठीक है। इट इज नॉट अलाउड टू यूज दीज टू क्वांटिटीज विद एनी ऑफ द यूनिट्स, अजम्पशन ये है, ठीक है, बात समझ में आती है? यस सर। तो जब भी आप एफिजिकल स्ट्रेम यूज करेंगे तो एम आप लेंगे केजी में, चाहे आपको क्वेश्चन में ग्राम में गिवन हो या किसी और यूनिट में गिवन हो, एक्सेलरेशन को हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देंगे, सही है? फिर ओके सर। गुड, किसी और का कोई क्वेरी तो नहीं है इस पे? समझ नहीं आया थोड़ा सा ये। देखो भाई एफ इक्वल्स टू एम ए है, हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू साइन लाया, और इक्वल्स टू के बाद हम कांस्टेंट लाते हैं, जो कि रूल है मैथ्स और फिजिक्स का रूल है कि जब भी कोई ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है ना, कभी भी, फॉर एग्जाम्पल If y is directly proportional to x, उसका रूल होता है कि आप y is equals to kx लिखते हो, where k is the constant, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमने f is directly proportional to ma था, तो हमने क्या किया, f is equals to constant 1 ले लिया और ma ले लिया, ये हमने कैलकुलेशन से निकाला है, साइंटिस्ट ने देखा कि अगर आप मास को kg में लें और इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लें, तब आपका जो कॉन्स्टेंट है ना वो अपने आप 1 हो जाएगा, तो आसान नहीं है कि हम मास इन दोनों को ऐसा यूनिट को 1 ले लें और दोनों को ऐसा यूनिट में ले लें तो कांस्टेंट हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है? सिर्फ ये आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी कभी एफिजिकल टू एमए अप्लाई करोगे तो मास को केजी में लोगे, ग्राम में नहीं लोगे, और जो आपका एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा, सही है? चलो इसको फिर हम करते हैं फर्दर आगे। ये न्यूटन के दोनों लॉ आपको समझ में आ गए, डायनेमिक्स की जो है ना समझो कि बैकबोन है ये तीन लॉस, डायनेमिक्स का चैप्टर इन तीनों के बगैर नहीं हो सकता, बाकी सारी हमने जो पढ़ा ना डायनेमिक्स वो सब इसका बैकग्राउंड था, तो बैकग्राउंड पढ़ा इसी था कि ये तीन लॉ समझ में आ जाए। हमें तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा लॉ कहता है जो कि बहुत मशहूर जमाना है, जो ज़्यादातर लोगों ने सुना हुआ होता है, समझा हुआ कम होता है, तो इसको समझना भी बड़ा उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, वो जो एक्शन और रिएक्शन है वो फोर्सेज हैं, समझो ये आपने फोर्स लगाई एफ ए जो कि एक्शन फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट आप पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है? जिसके अंदर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ आर है, यानी एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये नेगेटिव साइन क्या कहलाता है, ये नेगेटिव साइन शोज द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसकी एक रीजन है, इसकी रीजन क्या है कि जब भी कभी दो वेक्टर्स आपस में ऑपोजिट में होंगे ना, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो क्या हो रहा होगा, वो नेगेटिव साइन से शो किए जाएंगे, वो वेक्टर्स जब भी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो नेगेटिव साइन से शो किए जाएंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ बेटा कोई सवाल है किसी का? अच्छा इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, दो वेक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो अगर ऑपोजिट हो तो मैं नेगेटिव साइन से शो करूंगा, एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था पास पेपर्स करते वक्त, तो उसकी कंफ्यूजन बिल्कुल राइट थी कि एक क्वेश्चन है पास पेपर में काइनेमेटिक्स में, आप लोग देखोगे कि एक बैट होता है उस पर बॉल आके लग रही होती है, सही, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ कि भाई ये आपका बैट है, इस पर आके बॉल लगी आपकी, जब बॉल ने हिट किया ना तो इसकी एक कोई वेलोसिटी होगी 25 मीटर्स पर सेकंड, इसको मैं वेलोसिटी कह रहा हूँ बेटा, याद रखना इट इज नॉट माय स्पीड, यू इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। फिर जब ये बॉल वापस गई टकरा के, तो जब आई थी तो वेलोसिटी थी इसकी लेफ्ट साइड पर, यू की डायरेक्शन लेफ्ट, वापस गई तो वी की डायरेक्शन इसकी राइट हो गई, वापस गई तो उल्टी डायरेक्शन में गई। अच्छा आंसर में मुझे बताया कि v जो है वो 22 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u होता है, सही है,
तो अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूँ तो इसको मुझे -22 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली ये तो उल्टी डायरेक्शन में, तो v माइनस u यानी कि -22 -25 ये होता है -47। ये क्वेश्चन आएगा काइनेमेटिक्स में जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, तो क्या हुआ u था 25 तो v 22 भी होगा ना, तो मैं v को 22 नहीं -22 लूंगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना तो एक का साइन मैं नेगेटिव कर दूंगा, ये रूल होता है, सही है। आंसर तो माइनस में आएगा। हाँ माइनस में आएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो एक वेक्टर अगर दूसरे से ऑपोजिट है तो माइनस साइन के साथ, एक के साथ माइनस साइन लगा दोगे, इसमें कोई रूल नहीं है कि किसके साथ लगाओगे, किसी एक को पॉजिटिव ले लो तो दूसरे को नेगेटिव ले लो, इट इज मतलब नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो शुरू वाला वेक्टर होता है ना, जैसे यू है, इसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो वी को हमने नेगेटिव ले लिया, आप उसका उल्टा भी कर सकते हो, बस दोनों ऑपोजिट हो तो दो को साइन नेगेटिव होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। खैर ये तो एग्जाम्पल थी बताने के लिए, मेन पॉइंट पे आते हैं वापस यहाँ पे, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन बट विद अ माइनस साइन विच इंडिकेट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर ये एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स माइनस एफ आर होगी, सही है, क्लियर है ये बात, कि जब भी आप दीवार को फोर्स लगा रहे हो तो दीवार भी आप पे फोर्स लगा रही होगी, जब भी आप किसी रबड़ को फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपको फोर्स लगा रही होगी, तो ये इस तरह से। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में तो आया था जब मैं स्टूडेंट था, आप लोग के माइंड में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बता देते हैं आपको। मैंने एक क्वेश्चन किया था अपने टीचर से, मैंने कहा जैसे हम बॉल थ्रो करते हैं ना, एक बॉल है, ये बॉल है, इस पे मैंने बॉल थ्रो की, यहाँ से यहाँ पर किसी का हाथ होगा, इसमें किसी ने बॉल थ्रो की यहाँ पर दीवार पे, ये बॉल वापस आ गई रिवर्ट होके इसी डायरेक्शन में, पहले यहाँ से गई F1 और वापसी आई F2। तो मैंने टीचर से ये कहा कि देखिए ये F1 मैंने अप्लाई की, F2 इसकी ऑपोजिट फोर्स है, तो हमने तो ये पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू के लग रहे हो, जैसे F1 और F2, ये तो कैंसिल हो जाती है, तो बैलेंस फोर्स हो जाती है, तो ये कैंसिल क्यों नहीं हुआ, बॉल वापस क्यों आई, हाँ भाई ये बात लॉजिकल है ना, जिस बॉल पे बॉल मारी वो अपनी फोर्स लगाएगा ना, वो सब ठीक है, हमने वेक्टर के लिए क्या पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर एक दो ऑपोजिट वेक्टर लग रहे हो, जैसे ये मास है इस तरह, ये वॉल भी तो एक मास है ना, इस पे एक फोर्स लग रही है यहाँ से लेफ्ट से राइट पे और एक राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो दोनों कैंसिल हो जानी चाहिए अगर इक्वल वैल्यू की है, तो एक्शन रिएक्शन तो इक्वल होते हैं, कैंसिल तो नहीं हुई, बॉल तो वापस आ रही है, जीरो तो नहीं हुई, गिर जानी चाहिए। उधर जो मुझे कॉन्सेप्ट बताया गया ना, कि जो मुझे एक्चुअल मुझे समझ में आया कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना मिसकंसेप्शन रखते हैं थर्ड लॉ के लिए, वो बैलेंस फोर्सेस और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को मिक्स कर देते हैं, इसको देखो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस क्या है, अभी मैं अपने क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, कि क्या क्वेश्चन मेरा था, वो ये था कि ये मास है, वॉल है, इसमें मैंने एक फोर्स लगाई एफ वन, या इसको मैं एक्शन फोर्स कहता हूँ, और इस पर दूसरी डायरेक्शन से फोर्स लगाई एफ आर, जिसे मैं रिएक्शन फोर्स कहता हूँ, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, इस मास पे ये एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स, ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है, दिस दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, दीज आर बैलेंस, दोनों अलग अलग फोर्स है, बिल्कुल ये दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं, दीज आर बैलेंस फोर्सेस, जो इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, ये वो है, दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि एक्शन फोर्स, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स दूसरी तरफ से लग रही है, यहाँ से अगर जो फोर्स लगेगी ना वापस, ये होगी रिएक्शन फोर्स, ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेज है ये दोनों, जो ये वाली है ना, ये है बैलेंस फोर्सेज, जो अलग अलग डायरेक्शन से लग रही होंगी, सेम पॉइंट पे जो फोर्स लगती है ना उसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन है ना, ये सेम लाइन, इस पे एक फोर्स लग रही है और इसी पे दूसरी फोर्स लग रही है, तो ये एक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे F1 यहाँ लग रही है, F2 यहाँ पे लग रही है, लाइन शेप चेंज हो गई ना, ये लाइन दूसरी, ये लाइन दूसरी है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये इसी ऑब्जेक्ट पे दो अलग डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, तो ये बैलेंस फोर्स है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस फोर्स एंड एक्शन रिएक्शन पेयर, सही है, क्लियर हो गई ये बात। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, आप स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करते वक्त आप
अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अब्दुल्ला मोइन आपका क्वेश्चन है अनबैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अनबैलेंस फोर्स की बेटा कभी भी नहीं होगा रेस्ट में, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो पढ़ा है, जब अनबैलेंस फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ जाएगा। बैलेंस फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और दूसरी कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है। तो आप जरा सा जल्दी आते ना क्लास में तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे क्लियर होता है, अभी रिकॉर्डिंग सुन लेना आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर की। एक्शन रिएक्शन पेयर समझ में आ जाए ना तो फिर आप फौरन जज कर लोगे कि एक्शन रिएक्शन है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग करते वक्त आप क्या करते हो, वाटर को पुश बैक करते हो। वाटर को जब आप पुश बैक करते हो फोर्स लगाते हो तो वाटर आपको क्या करता है, पुश फॉरवर्ड करता है। तो दोनों सूरत में फोर्स किस पे लग रही है, वाटर पे, है ना। तो वाटर पे आपने फोर्स लगाया, उसी लाइन पे वाटर ने आप पे फोर्स लगा दी। ऐसा तो नहीं है कि वाटर पे एक फोर्स आप लगा रहे हो एक फोर्स कोई और लगा रहा है, वो होती बैलेंस फोर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने वाटर पे लगाई वाटर ने आप पे लगाई तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। सही है, क्लियर है ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं है सर? ओके तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास जो है थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। स्केलर वेक्टर्स में हम कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी इज दैट व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्केलर होगा। डिस्प्लेसमेंट है वो वैक्टर होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। लेंथ क्या है, स्केलर है। स्पीड क्या है, स्केलर है। वेलोसिटी हमने पढ़ा था वैक्टर है क्योंकि उसकी डायरेक्शन होती है। टाइम क्या है, स्केलर है, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड। एक्सेलरेशन इज अगेन वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, वेट इज वेक्टर, डेंसिटी, डेंसिटी और वेट अभी हमने सही से पढ़ा नहीं है तो मैं अभी उस बात नहीं कर पाऊंगा आप लोग से। एरिया, एरिया क्योंकि लेंथ इज ब्रेथ है, स्केलर। वॉल्यूम स्केलर क्यों, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं। एनर्जी, एनर्जी भी स्केलर है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। प्रेशर भी आगे जाके पढ़ेंगे। प्रेशर इज अ वेक्टर क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन में फोर्स आती है, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आप। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन वो अभी हम नहीं देख रहे क्योंकि हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है उन डायनेमिक्स के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। स्केलर वेक्टर असेसमेंट में नहीं है तो अभी हम इसको यहाँ तक पॉज करते हैं और लेट्स गो टूवर्ड्स द क्लास पेपर्स। अच्छा, ये सेशन एंड हो रहा है, एक मिनट रह गया, मैं नया सेशन स्टार्ट करता हूँ। सेम लिंक से आप लोग कनेक्ट करेंगे और फिर हम जो है वो क्लास पेपर्स को देखेंगे। जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा, टाइम ना लगाइएगा, ठीक है।